सभी पेरेंट्स को मैं पंकज बोरेकर एनडीए इंचार्ज आप सभी का इस गूगल मीट में मैं स्वागत करता हूं। और भी कोई पेरेंट्स होंगे तो जुड़ जाएंगे, तो मैं अभी शुरुआत करता हूं। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। और लगभग 4-4.5 महीने हुए हैं जब से हमने एनडीए के क्लासेस स्टार्ट किए हैं। तो उसके बाद जो है आप लोग दिवाली की छुट्टी में बच्चों को लेने के लिए आए थे, लेकिन बहुत ही कम पेरेंट आए थे और जो पेरेंट्स आए थे उनके साथ भी अच्छी तरह से हमारी बातचीत नहीं हुई थी। इसलिए आपके बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है इस 4-4.5 महीनों के दौरान, और हमने क्या क्या प्रयास किया है, हमने क्या क्या सिलेबस कम्प्लीट करवाए है, कितने टेस्ट लिए है, और इसके बाद जो है दिवाली के बाद हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी एनडीए के लिए, ये सभी बातें जो है हम पेरेंट के सामने रखना चाहते थे। इसलिए ये गूगल मीट का आयोजन हमने किया है। तो आज के इस मीटिंग के लिए हमारे स्कूल के कमांडेंट सर संजय जी सोनू ने यहाँ पे उपस्थित है, इनका मैं स्वागत करता हूँ। उसके साथ साथ जो भी पेरेंट्स इस मीटिंग में उपस्थित है उन सभी पेरेंट्स का मैं राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल की तरफ से स्वागत करता हूं। तो हम इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। मैंने मीटिंग के उद्देश्य तो सबसे पहले आपको बता दिया है। देखिए, हम जो है आपका और आपके बच्चों का जो सपना जो है वो बहुत बड़ा है। हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी जो है इस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो इस तरह से हमारे बच्चों को भी उसी तरह से मेहनत करनी होगी। अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते पे चलना है, और जिस रास्ते पे चल रहे हैं हम वो रास्ता हमारा सही है या नहीं ये भी जानना हमें बहुत जरूरी होता है। तो इस 4-4.5 महीनों में हमने मैथ्स के लगभग 10 चैप्टर्स हमने कंप्लीट करवाए हैं। 30 चैप्टर्स होते हैं, उसमें से अगर हम 20 चैप्टर भी अच्छी तरह से करवाते हैं तो आपके बच्चों का स्कोर अच्छा रहेगा। तो 20 चैप्टर हम उसमें कंप्लीट करवाएंगे, तो उसमें से 10 चैप्टर जो है अब तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मैथ्स के। इसके बाद इंग्लिश जो है गैट में मेन सब्जेक्ट होता है, इसका सिलेबस भी बेसिक है। 10 तक हमने जो ग्रामर पढ़ा है वो उस ग्रामर के ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं, ग्रामर के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, तो ग्रामर को हमने रिवाइज किया है। उसमें से लगभग हमने 10 टॉपिक जो है 10 पार्ट्स ग्रामर के हम कंप्लीट कर चुके हैं, और दिवाली के बाद जो है बचे हुए पार्ट जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे और बाकी सभी चैप्टर जो है इसका हम रिवीजन करवाएंगे। इसके साथ साथ प्रतीक सर द्वारा हमने फिजिक्स के 11 चैप्टर्स हमने कंप्लीट करवाए हैं। लगभग फिजिक्स का 90% सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ है, बचे हुए 3-4 चैप्टर जो है वो दिवाली के बाद कंप्लीट होंगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए नए टीचर्स जो है हमारे स्कूल में दिवाली के बाद आएंगे, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है इसका वेटेज थोड़ा कम है, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी लगभग 2 महीने में हमारा दिवाली के बाद कंप्लीट हो जाएगा। जीके का लगभग 50% सिलेबस हमारे सुनील डिगोड़े सर द्वारा कंप्लीट किया है, और उसमें से जो है पूरे 6 चैप्टर जो है हमने अब तक पूरे कंप्लीट किए हैं। तो इस तरह से हमने जो है वो सिलेबस 4 महीने में लगभग जो है 40-50% जो है सिलेबस हमने कंप्लीट करवाया है, जो हमारा टारगेट था। तो जब बच्चे हमारे पास आए तो मिलिट्री स्कूल का माहौल, इस माहौल में और हमारा शेड्यूल भी थोड़ा टाइट था, और इस टाइट शेड्यूल में बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा कम समय मिल पाता था। इसमें बच्चों को पढ़ाई भी करनी थी, उसके साथ साथ क्लासेस भी अटेंड करवाने हैं करना पड़ते थे, और इसके साथ साथ हमने कुछ टेस्ट भी लिए। लगभग एनडीए के हमने 3 टेस्ट लिए और सीईटी के टेस्ट लिए, तो कंपेरेटिवली सीईटी के टेस्ट से कंपेरेटिवली एनडीए के टेस्ट में इनका रिजल्ट जो है वो इतना संतोषजनक नहीं है। इसीलिए हमने इस रिजल्ट को जो है हमने ग्रुप पे भी डिस्प्ले नहीं किया है, लेकिन दिवाली के बाद जो है ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके कुछ कारण भी है, क्योंकि बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए समय कम मिलता था, ये इसका मेन रीजन है, और दूसरे और भी कुछ रीजन है जो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करवाऊंगा। तो कुछ बच्चे जो है हमें ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर हम एनडीए की पढ़ाई जैसे लाद रहे,
अब देखिए एनडीए के एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, एग्जाम का लेवल तो हार्ड है, इसके साथ साथ हमें बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवानी है, तो एनडीए की तैयारी के लिए कुछ अलग समय हमें ज्यादा देना पड़ता है। तो कुछ बच्चे जो है ऐसे लग रहा है कि उसके लिए तैयार नहीं है, दोनों बोर्ड एग्जाम एनडीए की तैयारी इसको ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो है उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, तो हमें हर परिस्थिति में आपके भविष्य बच्चों का भविष्य जो है वो बनाना है। तो इसलिए हमने अब जो है दिवाली के बाद एक प्लान तैयार किया है, जितना भी सिलेबस हमने कंप्लीट करवाया है। अब देखिए दिवाली में लगभग 24-25 दिन की छुट्टियां हैं, तो इस छुट्टियों में बच्चों ने ये पूरा सिलेबस जो है इसकी रिवीजन करनी है, और जब दिवाली की छुट्टी के बाद बच्चे जो स्कूल में आएंगे तो नवंबर मंथ के आखिरी में इनका एक टेस्ट होगा। तो इस टेस्ट के द्वारा हम लगभग टॉप 15 स्टूडेंट जो है इनको हम सिलेक्ट करेंगे कि जो एनडीए की पढ़ाई करेंगे, इनके क्लासेस जो है एनडीए के क्लासेस होंगे, बोर्ड के क्लासेस इनके नहीं होंगे जब तक एनडीए का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है सितंबर 2025 में। इसके पहले अप्रैल में भी एक एग्जाम ये बच्चे देंगे और सितंबर में इनका मेन अटेम्प्ट जो है, तो अप्रैल तक इनका हम सिलेबस एनडीए का कंप्लीट करवाएंगे, इसमें बोर्ड की कोई तैयारी नहीं होगी, पूरा फोकस हम एनडीए के ऊपर करवाएंगे। जो भी बच्चे जो है टॉप 15 स्टूडेंट्स इनको हम चुनेंगे, तो इस 25 दिन में आपके बच्चों ने पढ़ाई किस तरह से करनी है इसके लिए हमने एक शेड्यूल भी बनवाया है। तो इस शेड्यूल के अनुसार अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो ये टेस्ट जो है इनके लिए काफी आसान होंगी, और जितना भी हमने सिलेबस कंप्लीट करवाया है वो सिलेबस इनका पूरा हो जाएगा। तो इस टेस्ट के द्वारा ये जांच भी होगी हमारी कि सही मायने में कौन कौन है जो एनडीए के लिए पैशनेट है, कौन तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं, और कौन से बच्चे कंफ्यूज है, तो इस टेस्ट के द्वारा जो है ये इनका चयन हो पाएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा जो है इस टेस्ट में कम अंक लाता है, मार्क्स कम लाता है, लेकिन वो चाहता है कि नहीं एनडीए मेरा जो है लास्ट डेस्टिनेशन है और यही मुझे करना है, तो हम कमांडेंट सर के साथ डिस्कस करेंगे स्पेशल केस के दौरान, और उस बच्चों को हम एक मौका और देना चाहेंगे। तो जिन बच्चों का चयन नहीं होगा इनके लिए हम सीईटी की तैयारी तो करवा रहे हैं, 11th 12th बोर्ड की तैयारी भी अच्छी तरह से करवाएंगे, तो इसका भी थोड़ा समय आपको प्रिपरेशन कैसी होगी ये बताऊंगा। इनका सिलेबस जो है लगभग सितंबर 25 तक कंप्लीट होगा, और इसमें जो है हम 10 माइनर टेस्ट लेंगे, 5 जो है सेमी मेजर टेस्ट लेंगे और 5 मेजर टेस्ट लेंगे, इसके साथ साथ इनकी बोर्ड की तैयारी और सीईटी की तैयारी पूरी हो जाएगी। और जो 15 स्टूडेंट का हम अलग से चयन करेंगे एनडीए के क्लास के लिए, इनका सिलेबस जो है अप्रैल 25 तक हम कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, लगभग इनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल मंथ तक, और अप्रैल का एग्जाम भी ये बच्चे दे पाएंगे। और अप्रैल के बाद जो भी समय हमारा बचता है सितंबर तक, तो इस दौरान जो है ये पूरे सिलेबस का रिवीजन होगा, और इसके दौरान इनके टेस्ट होंगे, इसमें 10 टेस्ट जो है वो सेमी मेजर होंगे और 10 जो है मेजर टेस्ट इनके करवाएंगे। तो इस तरह से हम जो है दिवाली के बाद जो है इस तरह से हमारा शेड्यूल रहेगा, खासतौर पर एनडीए के बैच के लिए और पूरे हमारे क्लास के लिए। और सितंबर के बाद जो है जो एनडीए क्लास के लिए बच्चे हैं उनको हम बोर्ड की तैयारी जो है उनके जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें लगभग उनको काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, उतने ही चैप्टर्स हम उनकी पूरे करवाएंगे, जिसके द्वारा इनकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी होगी। अब देखिए 4-4.5 महीने में जो कुछ जो है आपके बच्चों का जो हमने एनालिसिस किया है उसमें इनकी एक प्रेजेंटी जो है ये बहुत अहम बात थी। लगभग बहुत सारे बच्चे जो है वो कुछ क्लासेस मिस कर रहे थे, उनका प्रेजेंटी रिपोर्ट मेरे पास है, कल तक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं ये प्रेजेंटी रिपोर्ट डाल दूंगा। और सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि आपने आपके बच्चों का प्रेजेंटी रिपोर्ट चेक करना है, आपका बच्चा कितने दिन क्लास गया, कितने दिन क्लास में नहीं था, अब्सेंट था, ये प्रेजेंटी रिपोर्ट से आपको पूरा पता चलेगा। और मैं सभी पेरेंट्स से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि दिवाली के बाद जो है आप छुट्टियों के लिए अर्जी नहीं करेंगे, अगर एक्सेप्ट कोई सीरियस मेडिकल रीजन है तो ही आपके बच्चों को छुट्टी दी जाएगी,
अदरवाइज पेरेंट्स ने कोई रिक्वेस्ट नहीं करना है कि मेरे घर में ये फंक्शन है, मेरे बच्चों को बच्चे को छुट्टी दीजिए, तो छुट्टी के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि एक दो दिन भी आपका बच्चा क्लास में एब्सेंट रहता है तो उसका काफी सारा नुकसान होता है, और यही बात आपकी आपके बच्चों की रिफ्लेक्ट होती है टेस्ट में। टेस्ट में जो बच्चों के मार्क्स कम आए हैं उसके लिए मेन रीजन यही है कि बच्चों की प्रेजेंटी जो थी वो बच्चे रेगुलर नहीं थे, बीच में कुछ बच्चे गणपति फेस्टिवल में गए उस दौरान भी एक टेस्ट हुई थी, तो उसमें मार्क्स जो है बच्चों के काफी कम आए हैं। तो ये एक अहम मुद्दा है। तो और उसके बाद जो है स्टडीज का एक शेड्यूल हमने बनाया है, एक शेड्यूल आप भी बना सकते हैं बच्चों के, इसमें थोड़ा सा इस शेड्यूल में आप थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये शेड्यूल बहुत जरूरी है। और सभी पेरेंट्स को एक अनुरोध मेरा भी है, अभी जी दिवाली की जितनी भी छुट्टी है उस छुट्टियों में बच्चों को बाहर जो है ज्यादा इनका टाइम वेस्ट ना हो इसकी तरफ आपने ध्यान रखना है। तो ये जो शेड्यूल मैंने बनाया है ये शेड्यूल भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। अब इसके बाद जो है हमारे कमांडेंट सर जो है इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि ये आपको कुछ जो है टिप्स दे, आपके साथ बातें करे, और अंत में आपके जो सवाल होंगे उस सवालों के जवाब भी हम देंगे। तो मैं हमारे स्कूल के कमांडेंट सर जो है इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टार्ट करें। थैंक यू बोरेकर सर। आज हम थोड़े समय के लिए इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि जस्ट बच्चे घर पहुंचे हैं और कुछ चीज़ें हम अपने आप को रिमाइंड कराएंगे, क्योंकि ये एक मिशन है जहां स्कूल ने भी सोचा था कि एक सुपर 30 की बैच बनाएंगे और उन पे फोकस करेंगे। ये पहली बैच है, हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट बैच है जिसपे हमने एक अलग कोशिश करने की एक ठान ली थी शुरू में। ये बच्चे होनहार है, ये बच्चे कर सकते हैं, लेकिन उम्र थोड़ी सी इनकी ऐसी है कि जहाँ इनसे करवाना पड़ेगा, ये बात सच है। सबसे पहले तो ये जो 11th 12th का जो उम्र है और नीट JEE CET और NDA, ये सब जो भी बच्चे करना चाहते हैं तो सिर्फ उनके बच्चों का भविष्य नहीं, पूरे परिवार का भविष्य यहाँ से टर्न होने वाला है, ये चीज़ सबने समझनी है। और जैसे जैसे बच्चों को पेरेंट्स से और टीचर से एक तरह से रिमाइंडर मिलते रहते हैं कि पढ़ाई करनी है, क्यों करनी है, ये करने से होगा क्या, तो ये चीज़ें डिस्कस होनी बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए अभी जो अपनी 11th की बैच है, जैसे पंकज सर ने बोला कि अगले सितंबर में इनका पहला जिंदगी का टेस्ट मैं कहूँगा इसको, जो ऐसा है जो उनको समाज में और अपने जीवन में एक स्थान दे सकता है। क्योंकि जिस बच्चे का देखिए, कुछ ना कुछ बच्चे तो पास होने हैं, अपने बच्चों में से कोई होगा हम उतना फोकस कर रहे हैं, लेकिन इंडिया लेवल पे जब हम बात करेंगे तो इस परीक्षा को लगभग 10-12 लाख बच्चे देंगे, उसमें से कुछ बच्चे तो पास होने हैं, तो कौन पास होंगे, जो मेहनत करेंगे। और सितंबर में जिस बच्चे की रिटन टेस्ट क्लियर होती है तो उसके बाद उसका 2-2.5 महीने 3 महीने में इंटरव्यू आता है। अभी बच्चे ने 12वीं पूरी भी नहीं की और उसके हाथ में एक तरह से क्लास 1 का एक जॉब दिख रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के दौर में। अगर हम देखें, लोग 25-26 साल तक पढ़ते हैं लेकिन जॉब नहीं मिलती है, लेकिन NDA एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ 12th में बच्चा अभी पास भी नहीं हुआ और उसको एक तरह से एक पोजीशन प्रदान हो रही है कि आप क्लास 1 पोजीशन पे आने के लिए हम आपको न्योता दे रहे हैं। तो सितंबर में जिसकी रिटर्न क्लियर होती है, 2-3 हफ्ते में ही रिजल्ट आता है, और दिसंबर तक इंटरव्यू होगा, और इनका बोर्ड होगा 26 फरवरी में, उससे पहले इनका रिटर्न, जिसने रिटर्न क्लियर किया उसका इंटरव्यू, जिसका इंटरव्यू क्लियर हुआ उसका मेडिकल, और जिसका मेडिकल क्लियर हुआ, आप इमेजिन करिए, इसमें स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे और पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे कि लगभग 26 जनवरी 2026 में अगर हम बात करें, ऐसा कौन सा खुशनसीब परिवार होगा जो ऐसी स्थिति में होगा कि उसका इंटरव्यू मेडिकल हो चुका है और अब बस बोर्ड में हाजिरी लगानी है, अपना पास होना है, पास तो आजकल बोर्ड में हो ही जाते हैं, और रिजल्ट लेके जून 2026 में NDA के द्वार के अंदर एंट्री करनी है।
ये जो सपना है ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। जैसे पंकज सर ने बोला कि कुछ बच्चे अभी भी कन्फ्यूजन में थे, हमने भी शुरू से ये बातें की कि दिवाली तक हम वेट करते हैं। सेटलमेंट का ये पीरियड था बच्चों का, बहुत सारे बच्चों ने पहली बार अपना घर छोड़ा था, एक हॉस्टल लाइफ में आए थे, अपने पेरेंट्स के कंफर्ट लेवल से वो बाहर निकले थे। हम समझते हैं कि बच्चे उस कंफर्ट लेवल से बाहर आए हैं तो तकलीफ होगी, लेकिन अब वो सेटल हो चुके हैं। अब उनको पूरा मौका भी मिला है, पूरा टाइम भी मिला है कि उन्होंने सिलेबस कितना कवर किया है, पंकज सर ने बोल दिया है। अब हम दिवाली के बाद अगर टेस्ट लेते हैं तो कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मुझे टाइम नहीं मिला था। जिसने अभी तक थोड़ी सी भी कम तैयारी की है या की नहीं है, वो बच्चा अब से लेके आज लगभग 28 तारीख है, इस महीने के और 3 दिन हैं, और उसके बाद 22 तारीख तक बच्चे आएंगे, तो 21 और 3 24 दिन हैं। उसमें से दिवाली का जो भी एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट, इधर उधर मिलना, ये सब करते हुए अगर 24 दिनों में हम पर डे 6 घंटे, क्योंकि आप क्लास 1 का सपना देख रहे हैं, 6 घंटे बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखिए समाज में अगर नीट और जेईई की बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 12 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर हम एनडीए के लिए 6 घंटे नहीं पढ़ सकते तो फिर शायद हम उस काबिल में ना समझे कि हम एक क्लास 1 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो एक रीजनेबल लेवल का डिफिकल्टी है ही। तो 6 घंटे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसमें मैं कहूँगा कि लगभग 2 2.5 3 घंटे मैथ्स की पढ़ाई होनी चाहिए और बाकी 3 घंटे गैट की पढ़ाई होनी चाहिए। अगर अगले 24 दिनों में हम 2 3 दिन माइनस भी कर देते हैं या 20 दिन की पढ़ाई मानते हैं और 6 घंटे बात करते हैं हम, तो लगभग 120 घंटे पढ़ाई में जितना सिलेबस कवर हुआ है, वो पहले 15 बच्चे हम सिलेक्ट करना चाहते हैं जो मेहनती हैं, जो अपने सपनों को, अपने परिवार की जिम्मेदारी को और इस एनडीए वाले लाइफ को समझते हैं कि ये होने क्या वाला है। अगर किसी ने एग्ज़ाम क्लियर की तो वो क्या होने वाला है, उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है, उनके सपने पूरे होने वाले हैं, और वो देश की सेवा में रहते हुए अपने परिवार की सेवा भी करने वाले हैं बहुत जल्दी कम उम्र में। देखिए कुछ ना कुछ जॉब तो बाद में लग ही जाएगा, लेकिन ये 12वीं में रहते हुए जॉब लगना एक सुनहरे सपने से कम नहीं है, एक तरह से ये समझना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, अभी तक हमारे ऑब्जर्वेशन में ये था कि कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि एनडीए की एग्ज़ाम जिसके 10th में 60% है, 60 65 70%, वो बच्चा कर सकता है। कितने सारे आज फौज में ऑफिसर्स हैं जिनका 10th तक का पढ़ाई अच्छा नहीं था, लेकिन अचानक उनको ये मौका मिला और उन्होंने पढ़ाई करके बाद में एनडीए क्लियर किया। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। हमने बच्चों को बीच बीच में गेस्ट लेक्चर्स के ज़रिए ये भी समझाया कि आपने जब फौज के तरफ जर्नी शुरू की है तो ये जर्नी आपकी 24 25 साल की उम्र में भी पूरी हो सकती है, आप सपना पूरा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि 12th में रहते हुए आप पहले अटेम्प्ट में ये क्लियर कर लें। अप्रैल में जाके हम इनका एक ट्रायल टेस्ट लेने वाले हैं, जब तक 80% सिलेबस, 90% सिलेबस हो भी जाएगा। अप्रैल में भी एनडीए की एग्ज़ाम होती है जो इनको लागू नहीं है, वो तो इनसे सीनियर एक बैच है उनके लिए लागू है। हम अपने 11th के बच्चों का अप्रैल में ट्रायल लेंगे। एक क्वालिफाइंग स्कोर 350 450 स्कोर सेफ स्कोर है 900 में से, जिसमें इंटरव्यू कॉल आता है। तो क्या हमारे 11th के बच्चे अप्रैल में जो ट्रायल है जो इनके लिए नहीं है, क्या ये 250 तक पहुंच पाएंगे, क्या ये 200 क्रॉस कर पाएंगे, ये भी हम एक बीच में चेक करने वाले हैं। और उससे पहले अभी दिवाली से वापस आते हैं बच्चे, तो कौन सही मायने में मेहनत कर रहा है वो हम चेक करना चाहते हैं, और 15 बच्चों को लेके सुपर 30 से अब सुपर 15 पे आना चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं वो दूसरों को तकलीफ देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये थोड़ा सा हमारा ऑब्जर्वेशन है और दुख भी होता है कि कुछ बच्चे सीरियस नहीं हैं। तो हम किसी का नाम नहीं ले रहे अभी, लेकिन एक मौका दे रहे हैं कि दिवाली की छुट्टियों में ये पढ़े और फिर से तैयारी करके आए। एक जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, क्या हम एनडीए के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारा 12वीं का क्या होगा, आगे बोर्ड का क्या होगा, मेरा साफ साफ कहना है कि जो बच्चा एनडीए के लिए तैयारी कर रहा है वो और बच्चों से, जिसने कोई तैयारी नहीं करनी, कोई सपना ही नहीं है और 11th 12th में है, उन लोगों से बहुत आगे निकलने वाला है, क्योंकि जब एनडीए की तैयारी हो रही है तो डिटेल में पढ़ाई हो रही है, यही सिलेबस है, सिलेबस कोई बाहर से नहीं है, और आपका बोर्ड
और साथ ही साथ सीईटी, एक बैकअप प्लान, सीईटी की भी तैयारी हो रही है। तो सभी बच्चों को हम आगाह करना चाहते हैं कि आपने एक सपना परिवार के साथ बैठ के चुना था, उसको आप लाइटली मत लीजिए। पंकज सर ने जो भी एक शेड्यूल बनाया, अभी कुछ एक टाइम टेबल, एक एक सैम्पल बनाया, उसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। आप अपना भी टाइम टेबल बना सकते हैं, वो बाद में सर ने बोला है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ये दिवाली जो है आपकी, लगभग आप 16-17 साल की उम्र है आपकी, इससे पहले भी दिवाली आई, इसके बाद भी आपके जीवन में दिवाली होगी। लेकिन जैसे छुट्टी जाने से पहले बच्चों से हमने वार्तालाप की थी, ये दिवाली और अगली दिवाली हमारे 11th के बच्चों का जीवन चेंज कर सकती है। दिवाली एक परिवार का खुशियों का त्यौहार होता है, लेकिन असली खुशियाँ तभी है जीवन में जब आप स्टेबल हैं, आप किसी पोजीशन में हैं, आपको महीने के महीने तनख्वाह आती है और आप जीवन में संतुष्ट है किसी पोजीशन में जाके। तो ये दो दिवाली आपको सेक्रीफाइस करना है। आप परिवार में रहते हुए पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए, और आप अगर ये दो दिवाली थोड़ा सा जागरूक होके अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो आपको एक समझ में आएगा कि आपकी आने वाली 70-80 दिवाली जो है वो बदली हुई नजर आएंगी। आप सही मायने में अपने परिवार की आने वाले भविष्य की दिवाली जो है वो बहुत अच्छे पोजीशन से सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो उस मकसद से भी इसको स्पेशल दिवाली बनाना है कि यस, 2024 की जो दिवाली थी उसमें हमने थोड़ा सा एंजॉयमेंट किया और पढ़ाई बहुत की। या आप 10 साल 15 साल बाद याद करोगे कि मैंने तब त्याग किया था, मैं थोड़ा सा छुट्टी में अपने आप को पढ़ाई की ओर ज़्यादा ढकेल दिया था अपने आप को, लेकिन उसका फायदा हुआ, पूरे परिवार को फायदा हुआ। तो बच्चों से यही निवेदन है कि वो ये करें, पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझे कि आपके बच्चे एक स्पेशल मिशन पे निकले हैं। इसमें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन ये पूरे परिवार का भविष्य बदल सकता है, ऐसा ये साल है ये और अगला। तो क्यों ना थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करें, क्यों ना एक्स्ट्रा अपने आप को संवारे, समझाए, और थोड़ा सारे लोग मिलके अपने गोल पोस्ट की तरफ जैसे गोल करना चाहते हैं। तो जो अगले सितंबर का और उसके आगे इनको भी अप्रैल मिलेगा, 26, 2026 में अप्रैल, ये दो अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी उम्र के हिसाब से किसी को तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, लेकिन फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में होने से आपका बहुत आगे फायदा होता है जब आप एनडीए में जाते हैं। उसके बाद राइट उम्र में अगर अंदर जाते हैं तो उसके फायदे बाद में होते हैं। तो मैं सभी को ये कहूँगा दिवाली की शुभकामनाएं, लेकिन ये दिवाली खास बनानी है थोड़े त्याग से, एक्स्ट्रा पढ़ाई से, और हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं ये भूलना नहीं है। देखिए आज भी बॉर्डर पे कुछ लोग अपने ड्यूटी पे हैं, समाज में कुछ लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, कोई भी बड़ा त्यौहार हो, कुछ लोग अपना लक्ष्य छोड़ते नहीं है, वो ड्यूटी करते हैं। तो इस दिवाली पे हमारे 11th के जो बच्चे हैं उनको हम यही समझाना चाहते हैं कि आप भी किसी मकसद से एडमिशन ले चुके हो, आपको भी दिल में कहीं ना कहीं तमन्ना है, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, आप स्पेशल बच्चे हो, आपने कुछ अलग सोचा है, तो क्यों ना इसको मंजिल तक लेके चले हम सब मिलके। आपके साथ हम खड़े हैं, दिवाली के बाद एक स्पेशल प्रोग्राम के तहत हम थोड़ा और स्पीड बढ़ाने वाले हैं। पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो रही है, हम नज़दीक से देख रहे हैं, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा इम्प्रूव हो चुका है, इसको हम और लेवल पे लेके जाएंगे। दिवाली के बाद थोड़ा हेक्टिक होगा, और आपको समर में भी हम बहुत कम छुट्टी देंगे और आपको हम लेके चलेंगे, लेकिन अब ये बैच थोड़ी करटेल होगी, सुपर 15 करना पड़े तो हम करेंगे। हम इसको रिड्यूस मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि सभी बच्चे शायद एनडीए के लिए काबिल नहीं है, ये नहीं बोलूँगा, करना नहीं चाहते हैं। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। अगर सारे के सारे बच्चे अच्छा क्वालिफाई कर जाएंगे दिवाली के बाद जो टेस्ट ले रहे हैं हम, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे शायद तैयारी में नहीं है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। अगर सभी बच्चे अच्छा क्वालिफाई कर जाते हैं इस टेस्ट में तो हमें पूरे के पूरे बच्चे आगे ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो तैयार हैं। तो यही कह के मैं अभी पंकज सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि अंत में उनको कुछ और पॉइंट्स बताने हैं, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो शायद कुछ बच्चे या पेरेंट्स इसमें पूरी तरह सुन ना पाए या ज्वाइन ना हो पाए, उनके लिए भी हम डाल देंगे। ओके, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। पंकज सर। ओके सर, तो अभी थैंक यू कमांडेंट सर, सर ने भी आपको काफी अच्छी तरह से समझा है।
अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पहले हम क्वेश्चंस लेंगे, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी पेरेंट्स के क्वेश्चन हो गए या किसी स्टूडेंट का भी क्वेश्चन होगा तो उसके भी हम आंसर देंगे आप लोगों को। कोई सवाल नहीं है तो ठीक है। अभी देखिए, जैसे ये दिवाली के बाद का शेड्यूल मैंने आपके सामने रखा, इसके साथ साथ ये जो मैंने शेड्यूल तैयार किया है, ये शेड्यूल मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। जो जो चैप्टर से टेस्ट के लिए, वो चैप्टर के नाम भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ सभी पेरेंट्स ने आपके बच्चों की प्रेजेंट ही चेक करना है एक बार, वो कितने दिन क्लास में था, कितने दिन क्लास में नहीं था, कौन सा क्लास मिस किया है, तो ये सभी प्रेजेंट की भी रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। और मैं एक चांस देना चाहता हूं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद भी आपको अगर कोई क्वेरी है तो मेरा नंबर है, आप सभी स्टूडेंट के पास आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे सर, कमांडेंट सर, इनको भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोला, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली ये पूछना था, एनडीए स्टूडेंट्स को जो लेक्चर्स होते हैं ना, तो उनको 11th ऑल क्लास भी अटेंड करना इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं। ठीक है ठीक है, इसका आंसर देता हूं। अभी तक हमने क्या किया था कि दिवाली तक 11th के क्लास और एनडीए के क्लास, ये दोनों पैरेलल चलते थे, बराबर है। अब इसके साथ एक टेस्ट होगी, और टेस्ट के साथ जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे इनके लिए सिर्फ अब एनडीए की पढ़ाई होगी। ओके 11th okay. 12th बोर्ड की पढ़ाई जो है, हम सितंबर के बाद, सितंबर में जब इनका एग्जाम होगा, एग्जाम खत्म हो, हाँ जैसे एग्जाम उनका खत्म होता है उसके साथ साथ हम इनकी बोर्ड की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ओके क्योंकि बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मतलब एनडीए क्लास अटेंड करें या 11th का क्लास अटेंड करें। हाँ, वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने दिवाली तक बच्चों को दोनों क्लासेस हमने पैरेलल करवाए थे। उसके साथ साथ बच्चों को पता भी चला कि किसका इम्पोर्टेंस है, किनके क्लास के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब दिवाली के बाद जो भी 15 स्टूडेंट आएंगे, इनकी हम सिर्फ एनडीए के लिए फोकस करेंगे, उनका पूरा एनडीए का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे अप्रैल तक, और इसके बाद जो है सितंबर के बाद इनका बोर्ड की स्टार्ट पढ़ाई। थैंक यू सर। मैडम का ये जो सवाल मैडम का है, ये जो ये सवाल बहुत बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है, पेरेंट्स का भी कन्फ्यूजन रहता है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम। अगर आप नीट और जेई के बच्चों को थोड़ा देखेंगे आज के दौर में, ये बच्चे पूरी तरह से कॉलेज से दूर रहते हैं और एक प्राइवेट ट्यूशन में अपनी नीट और जेई की ट्यूशन करते हैं। और उसके बाद मैं अपने डॉटर का भी एक्सपीरियंस बहुत नज़दीक से मैंने देखा था। बोर्ड का एग्ज़ाम जब इसका फेब्रुवरी में था मेरी डॉटर का, तो लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक में, यानी 1.5 महीने पहले उसने एक्चुअल बोर्ड की किताबें खोली। लेकिन ये बच्चे पास कैसे होते हैं, हालांकि वो कॉलेज में फर्स्ट आई थी, क्योंकि अभी ये एग्ज़ाम बहुत अलग है बोर्ड का एग्ज़ाम, जहाँ प्रैक्टिकल का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे मिल जाते हैं। बट दूसरी चीज़ ये है, जो बच्चे सीरियसली अपनी नीट जेई या एनडीए या सीईटी की तैयारी करते हैं, उनको बोर्ड के पेपर लिखने में दिक्कत नहीं है। बीच में बस जब भी प्रैक्टिस होती है, वो उतना करना चाहिए उन्होंने लिखना सब्जेक्टिव। तो इसलिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं एनडीए का, उनको बिल्कुल डरना नहीं है। उनका बोर्ड की, चाहे तो हम रिटर्न गारंटी देते हैं कि उनके बोर्ड की दिक्कत नहीं आएगी। उनको बस ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम एनडीए की पढ़ाई ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस वही है। और बीच बीच में जो सब्जेक्टिव हम प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें उन्होंने आंसर शीट्स लिखने हैं, क्योंकि आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस ये समस्या है। क्योंकि नीट, जेई, एनडीए, सीईटी, ये सब ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं और बोर्ड है सब्जेक्टिव। तो जो लोग सब्जेक्टिव लिखना छोड़ देते हैं साल 1.5 साल, उनको बहुत दिक्कत आती है। तो अपने बच्चों से हम लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर हम बीच बीच में कराएंगे, और बोर्ड से डरना नहीं है, वो बोर्ड पास होंगे ये हमें गारंटी है। तो पेरेंट्स और बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो, ये रिक्वेस्ट है। और किसी का कोई सवाल? हेलो सर, नमस्कार हाँ सर। हाँ बोलिए।
सर मेरा भी क्वेश्चन माना वही था जो अभी मैम ने पूछा, जो 11 का जो क्लास अटेंड करने का मुझे तो आंसर मिल गया। मेरा कहना ये सर, जैसे आपने अभी पीटीएम जो रखा है सबसे मिलके, अभी 4 महीने हो गए स्कूल स्टार्ट करते, अभी इतना ही था आज करके, मतलब अच्छा लगा। और मेरा कहना ये है कि आप अगर मंथली या 2 मंथ्स के बाद रखेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा तरफ अच्छा लगेगा, और हम बच्चों को भी और प्रोत्साहित करेंगे कि बेटा आप मतलब क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आप भी हमसे मतलब कुछ सवाल क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए अभी इस क्वेश्चन का सर आपका क्वेश्चन, हाँ सर ये था अभी मैम ने जो पूछा, ये हमारे दिमाग में बहुत बहुत दिन से चल रहा था, बट ये होता है ना कि बार बार हम आ नहीं पाते, आप लोगों से मिल नहीं पाते, कभी कुछ टाइम नहीं होता, तो अभी जो ये आपको मतलब ये सवाल था ये सॉल्व हो गया कि अभी बोला कि मतलब 11 क्लास नहीं करनी है, यही हमारा ही कन्फ्यूज था कि बच्चे मतलब बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरा भी बेटा बार बार नहीं कहता था कि मामा बस हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं ये, सर मुझे और एक क्वेश्चन पूछना है। बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली परसों एक मैसेज आया था कि पेरेंट्स को कंपलसरी आके मीटिंग में ज्वाइन होना है, तो सर हम लोग इतना नजदीक नहीं रहते कि वीकली मतलब मंथली में 2 टाइम्स वगैरह आ सके, तो जिस तरह से इस मैडम ने बोला है कि मंथली में अगर एक टाइम भी अगर आप लोग में ऐसे मतलब जूम मीटिंग रखेंगे ना, तो हमारा जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे तो हम लोग इसमें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, वो भी है हमारे शेड्यूल में, वो आखिरी में मैं यही बताने वाला था कि देखिए पहले पहला क्वेश्चन जो है बोर्ड की पढ़ाई, सर ने भी बता दिया आपको कि आप निश्चिंत रहे उसके बारे में, सर ने तो गारंटी ली है कि आपके बोर्ड का कोई नुकसान नहीं होगा, सभी बच्चे अच्छे मार्क्स से बोर्ड में पास होंगे। अब देखिए दिवाली के बाद हमने ऐसा शेड्यूल बना रहे कि इसमें आपके बच्चों की प्रेजेंटी हर वीक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, हर वीक में आपको प्रेजेंटी मिल जाएगी। और हाँ, दूसरा जो है अब इसके बाद जो भी टेस्ट होंगे इसके रिजल्ट भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। हाँ सर ठीक है। और तीसरा जो है जैसे आपने बताया मीटिंग लेने के लिए, तो हर एक महीने में हम एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। और सर जो भी टेस्ट वगैरह आता है ना, तो उसका जो ये है मतलब रिजल्ट जो रहेगा ना, तो आप जरा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते जाइए, मतलब बच्चे कर पा रहे या नहीं हमको भी समझ में आएगा। हाँ इसका इसीलिए मैंने शुरू में बताया था कि पहले जो रिजल्ट जो है वो काफी संतोषजनक नहीं है, इसलिए हमने ग्रुप पे भी नहीं डाले। और क्या था कि 4-4.5 महीने में बच्चों को भी एडजस्ट होना था, सिलेबस भी चल रहा था, उनको सेल्फ स्टडी के लिए समय भी कम मिल रहा था, और उनकी प्रेजेंटी उसकी वजह से उनके रिजल्ट अच्छे नहीं रहे। इसीलिए मैंने हमने बच्चों को चांस दिया है कि अभी 20-25 दिन उनके पास पूरा समय है, सिलेबस तो उनका कम्प्लीट हुआ है, उनको रिवाइज करके वो टेस्ट दे। ओके सर, ओके नो प्रॉब्लम। तो इसके आगे तो दिवाली के बाद बोल रहे हो, तो हाँ, देखेंगे हम मतलब बच्चे भी कितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग बच्चों को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, तो लेकिन अभी सभी पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि जितने भी दिन बच्चे आपके पास है आपको भी उनको जरा ख्याल करना है कि सही मायने में आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। उनका शेड्यूल जो है मैंने बनाया है, आप भी आपका शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल के अनुसार वो सही मायने में पढ़ाई कर रहा है नहीं, ये आपको चेक करना है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर अभी कंक्लूड करो मीटिंग को। यस सर, वी कैन कंक्लूड। यस सर, वी कैन कंक्लूड। हेलो। हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे ये बच्चे अभी दिवाली की छुट्टी में आ गए, पर हमारी इच्छा थी कि आप अगर 1 घंटा ऑनलाइन प्रैक्टिस और रिवीजन लिए तो। नहीं देखिए मैडम, अभी इनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, इनको सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि देखिए हमारे दुनिया का कितना भी बेस्ट टीचर आपके बच्चों को पढ़ाए तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 20% रहता है, जो भी मार्क्स आते हैं हमें सेल्फ स्टडी से आते हैं। और सर हमें भी तो समझना चाहिए, पर हमको पता ही नहीं ना आपका सिलेबस क्या है, हम लोग कैसा बच्चा लेके पढ़ जाएगा, पर पता भी तो होना चाहिए। नहीं, देखिए मैंने क्या बताया था कि जितना भी सिलेबस हुआ है सभी चैप्टर्स के नाम आज शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे, जितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए जो भी सिलेबस है उनका। ओके यस सर। हाँ पर सर आप लोगों ने कुछ डाउट, बच्चों ने जो नोट्स आपने जो नोट्स दिए बच्चों ने लिखे क्या, आपने चेक किए थे क्या? हाँ
अब कैसा पता चलेगा हमको कि बच्चों के सिलेबस आप लोगों ने जो किए हैं वो कंप्लीट हुआ है कम हुआ है? देखिए, मैक्सिमम क्लासेस तो हमारे ऑनलाइन थे, ऑनलाइन ग्रुप पे आप जब देखते हैं तो यूट्यूब पे भी आप देखेंगे। हेलो ताइडे सर, प्लीज स्पीक। हाँ यस सर, ये जो मैडम का कंफ्यूजन है थोड़ा, लेट मी क्लियर कि अभी मैडम पूछ रहे कि आप ऑनलाइन क्लास वगैरह लीजिए या कुछ भेजिए, तो मैं आज ही जयेश से बात किया था, तो जय बता रहा था कि वो जो फिजिक्स वाला की जो लिंक है वो हमें भेजने वाले हैं पंकज बोरेकर सर, वो और अपना चैतन्य शेड़के ध्रुव वगैरह वो शेयर करने वाले हैं एक दूसरे को, तो वो तो होने वाला है हमारा। लेकिन मैडम का जो कन्फ्यूजन था कि भाई हमें जो सिलेबस पढ़ाया है तो हमें पता नहीं, बच्चे कुछ भी लेके बैठेंगे, तो ऑलरेडी आई हैव गिवन अ टास्क टू द स्टूडेंट, मींस एक्चुअली आई एम नॉट अ मैथमेटिक टीचर बट आई टोल्ड टू ऑल स्टूडेंट दैट ड्यूरिंग द दिवाली वैकेशंस यू शुड नॉट बी वेरी रिलैक्स एट होम, वट एवर द शेड्यूल्ड वी हैव फॉलो इन द अवर स्कूल you have to follow at home also, even at home also if you want to crack the NDA. So for that purpose you get up early in the morning at 6 o'clock, after that you whatever you are after your morning events you do the preparation of mathematics. So what you have to do, you have to means even we have covered near about 10 chapter, so humko kya hai task karna hai unko, usko maine task sabhi ko bataya hai ki aapko ek task diya hua hai ki aap har जो भी एक चैप्टर पर जो दो एक्सरसाइज होती है, तो आप एमजीटी जो मैथमेटिक फाउंडेशन का बुक होता है, अग्रवाल का बुक है या कोई पाथफाइंडर है, इसके अंदर से आपको 10 मिनिमम 10 एक्सरसाइज आपको एक दिन में छुड़ा के देखना है, तो 7 दिन में आपके 70 एक्सरसाइज हो गए। उसी प्रकार आपको इंग्लिश का जो है जो सिनोनिम्स है एंटोनिम्स है, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए और उस उसके अंदर से आप एक दिन को 10 वर्ड निकालना है आपको सिनोनिम्स के, और उसी वर्ड के आपको 10 एंटोनिम्स निकालना है, यानी आपकी वोकैबुलरी वहां क्लियर होने वाला है। उसी प्रकार से आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का स्टडी कीजिए ड्यूरिंग द होल हॉलीडेज। तो इस प्रकार का शेड्यूल मैंने सब जितने भी एनडीए के स्टूडेंट थे उनसे मैंने बात करके उनको मैंने शेड्यूल दिया है, रुद्राक्ष शिंदे, जय कुमार इंगड़े, ध्रुव और निखिल इंगड़े, इन सभी को मैंने बताया कि आपको इस प्रकार से फॉलो करना है शेड्यूल, तो ही आपको जाके ऐसा रिलैक्स हो जाए कि भाई मुझे एक छुट्टी लग गई है अभी 10 दिन का 15 दिन का, तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, या 1 महीने का छुट्टी है तो मैं अभी आराम से उठूंगा, या एक 2-4-5 बजे मैं आराम से घूमने जाऊंगा या इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, ऐसा इस किसी भी प्रकार का आपको रिलैक्स नहीं होना है, तो मैंने ऐसा बताया। तो ये सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी आपके जो बच्चे हैं उनको जो हमारा स्कूल का शेड्यूल है एटलीस्ट जो शेड्यूल है उसी के अंदर तो नहीं पर मैथमेटिक्स इंग्लिश ये 2-3 सब्जेक्ट्स का गैट का 2-2 घंटा भी उसने उन्होंने सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका कहना था कि हमको यहाँ सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है टाइम नहीं मिल रहा है, ये सब बच्चों का कहना वही था। एज अ क्लास टीचर दे कंप्लेन टू मी कि we are not getting a proper time for self study in our school, so now they have a relaxed time to do the self study at home, so whatever the hard work they are going to do at the home they can show, and even I told them that you can send me on WhatsApp what you have solved during the whole day, means whatever the exercise you have solved you can send photographs on my WhatsApp mobile, otherwise you can send on DD Patil sir's mobile, so I feel it will be better for them to for facing the upcoming examinations, and they will be in contact of the teaching as well as studying. Thank you sir. पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, देखिए आप क्लासेस की बात कर रहे हैं, जीके का जितना भी सिलेबस हुआ है वो सभी वीडियो जो है हमारे यूट्यूब के ऊपर है, अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत आती है तो वीडियो फिर से देख सकता है। इंग्लिश के लिए जितने भी हमारे टॉपिक्स हुए वो सभी निकिता मैडम के वीडियो जो है हमारे यूट्यूब के ऊपर है, ये समर में हुआ था, ये भी आपको रिवाइज करने के लिए इससे काफी मदद मिलेगी। और मैथ्स के लिए जो है, मैथ्स के लिए उनको करना कुछ नहीं है कि हमारे एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस है जितने चैप्टर्स हुए ये क्वेश्चंस उनको सॉल्व करने हैं। ओके,
ये सभी बच्चों को बताया है हमने। वन पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड कि बच्चों से पेरेंट्स ने पढ़ाई करवानी है ऐसा नहीं है, बस वो क्या फॉलो करना है शेड्यूल, घर से बाहर घूम रहे हैं या पढ़ रहे हैं, बस इतना देखिए। क्योंकि जिस पोजीशन के लिए बच्चे सपने देख रहे हैं वहाँ उसको लीडरशिप दिखानी है तो वो अभी से ही दिखानी है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक क्वालिटी चेक होने वाली है उनकी इंटरव्यू में, और दूसरा है इनिशिएटिव। ऐसे क्वालिटी चेक होने वाले बच्चों को अगर कोई पकड़ के बिठा के पढ़ाई कराए तो वो इंटरव्यू में फेल होने वाले। तो बेहतर है कि हमें ये भी देखना है इनका कि खुद से कितना पढ़ रहे हैं। तो बस पेरेंट्स ने टीचर्स के साथ उतना ही एक डाटा भी शेयर किया कि मेरा बच्चा अभी जिम्मेदारी समझ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जर्वेशन फीडबैक रहेगा। आप पकड़ के मत बिठाइए, हाँ याद दिला सकते हैं बेटा तुमने पढ़ना है, पढ़ाई की क्या, फिर तुम जो एंजॉय करना है करो। लेकिन मेरा पर्सनल मानना यह है कि जिन बच्चों की पढ़ाई खुद के मन से होती है वही बड़े बनते हैं। जो बच्चे पेरेंट्स के बोलने पे ही करते हैं तो वो साथ कब तक देंगे। तो ये बच्चों को अभी उम्र है यही चीज़ समझने की, अब मुझे कोई और बोल रहा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ या मैं खुद पढ़ रहा हूँ, बस इतना जो सेल्फ रियलाइजेशन है ये होने के बाद उनकी मंजिल उनके पास है। फिर तो आप उनके ऊपर उतना प्रेशर मत दीजिए, लेट देम अंडरस्टैंड। ओके आई थिंक पंकज सर वी कैन कंक्लूड। ठीक है, जैसे सर ने बताया आपको सिर्फ मोनिटाइज करना है, ऑब्जर्व करना है कि सही में जो शेड्यूल जो बनाया है उस शेड्यूल के अनुसार आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं। एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो मैथ्स के लिए फॉलो करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए भी एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करना है। और जो है आपको जैसे बताया था प्रेजेंट ही आपने एक बार चेक करना है, जिससे आपको काफी बातें पता चलेगी। और रिजल्ट के बारे में जैसे बताया था, अब जिस दिवाली के बाद जितने भी टेस्ट होंगे, टेस्ट होने के बाद तुरंत रिजल्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। हर एक महीने में आप जूम मीटिंग के द्वारा आपके बच्चों का परफॉर्मेंस जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा। और जो है ये दिवाली आप सभी पेरेंट्स की अच्छी जाए, सभी को, सभी पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट को दिवाली की मेरी तरफ से और हमारे मिलिट्री स्कूल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जब आप बच्चों को छोड़ने आएंगे उस दौरान आइए, और एक बार हम फिर वहां से ऑफलाइन वहां पे मिलेंगे। थैंक यू, और मैं इस मीटिंग को अब यहीं पे रोकता हूँ, दिवाली के बाद हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग।